उमरकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर उमरकोट पुलिस 10 रोज गुजर जाने के बावजूद अकलीती ताजर रहनमा अशोक कुमार और उसके बेटे प्रकाश लाना हमला और डकैती में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार न कर सके। तहरीक इंसाफ के मुस्तफी एमएनए लालचंद माहली का कहना है कि पुलिस कैदियों को खसूसन अकलीती बरादर से वाबस्ता ताजरों को तहफ्फुज देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पुलिस सियासी प्रेशर के बायस मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। उमरकोट में बदअमनी अपने अरूज पर है और आए रोज चोरी और दीगर जराइम की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। 10 रोज गुजर जाने के बाद राहजनी और कातलाना हमला में जख्मी होने वाले अकलीती ताजर रहनमा अशोक कुमार और संतोष के मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने मुलजमान का सुराग लगा लिया, मगर दरअसल मुलजमान का तल्लुक मुबैना तौर पर एक सियासी जमात से बताया जाता है, जिसकी वजह से पुलिस को ये एक्शन लेने से कासिर है। याद रहे कि 23 सितंबर को थर बाजार में आटे के फ्लोर मिल में 4 मुलजमान ने दाखिल होकर ताजर रहनमा अशोक कुमार और संतोष कुमार को तशद्दुद का निशाना बनाया और अशोक कुमार के बेटे संतोष को गोली मार दी थी। उमरकोट पुलिस को जाए वारदात से एक मोटरसाइकिल और 2 पिस्तौल मिले थे, जो मुलजमान के नाम पर रजिस्टर्ड थे। क्राइम सीन की एक वीडियो भी पुलिस के पास मौजूद है।